हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग वंस अगेन। होप आप सब अच्छे होंगे। कल का व्लॉग देखा होगा, तो चलो करते हैं कंटिन्यू। तो कल आप सबको पता है ना, हम गए थे हिल रोड, जिसको मैं लिंकिंग रोड समझ रही थी। बीच बीच में कभी बोलूँ तो माइंड मत करना। और हाँ, मैंने ये स्पेशल शूट किया है न्यू वैरायटी। जो भी लोग हिल रोड जाए, ये चार पाँच दुकानें एक साथ है यूनियन बैंक के आगे, वहाँ ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। और ये देखो, उसके बाद है ना, हमने शॉपिंग करने के बाद गोलगप्पे भी खाए, क्योंकि राहुल पार्थू और अनुप तीनों ही कहीं गायब थे। वो हमें छोड़ के चले गए थे कि तुम लोग आराम से घूम लो, फिर हम आ जाएंगे, जब तुम्हारा हो जाएगा हमें बताना। तो मम्मी और मैंने मौका पाके गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे थे पूरे दिल्ली वाले। मम्मी को इतने ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि इसमें ना वो मटर के दाने गरम वाले नहीं, जो कि मुंबई में खाते हैं ना गोलगप्पे, वो वाले नहीं थे। ये आलू चने वाले जो हम दिल्ली में खाते हैं, वो वाले थे। तो मम्मी का रिएक्शन देखो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो भाई, हमने जो शॉपिंग करी थी, शुरू करते हैं। मम्मी की ये पैंट और ये टॉप हमने सबसे पहले वहाँ से ख़रीदा। मम्मी बहुत मना करी थी, नहीं 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 मैं नहीं लूँगी, ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा बोल के। लेकिन गाइज, आप खुद देखो, जब उन्होंने पहना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड प्राइस पैंट का है 300 रुपीज़, एंड इसके ऊपर जो टॉप पहना है वो है 450 का। एंड गाइज, जब हम नेक्स्ट टाइम गए ना, तो इसका एक भी पीस पूरे मार्केट में हमें नहीं मिला, सिर्फ 4 पीस वहाँ पर थे। सो हम लकी थे, हमें मिल गया। अब ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ना, ये मम्मी की पसंद की है गाइज। मम्मी ने मेरे लिए पसंद करी और मुझे बोला कि तू पहना करना ऐसे। मैं कह रही हूँ मम्मी नाटू नाटू करूँ पार्थू जैसा इसको पहन के, तो मम्मी बोली तू पहनती क्यों नहीं है ऐसे, पहना कर। और जब मैंने ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मुझे याद आया किसी ने मुझसे कहा था, सीमा तुम्हारी पतली पतली टांगों को देख के कोई कुछ कहता नहीं है। नहीं यार, मुझे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि तुम्हारी टांगें बहुत सेक्सी है। एनीवे, जब हमने पार्थू को अपनी ड्रेस दिखाई ना, तो पार्थू बहुत खुश हो गया और बोला वाह आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, पर मेरे लिए क्या लाए। अब हम दोनों चुप हो गए कि इसके लिए क्या लाते हैं। तो आमा उसको समझा रही है कि बेटा वो तो गर्ल्स की मार्केट थी, वहाँ कुछ नहीं था। तो बोला कुछ तो होता मेरे लिए, बट मैं तो भैया अपना खुश हो रही थी। और ये जो शॉर्ट्स है ना, इसका कपड़ा बहुत अलग है, ये 200 का था। एंड इसमें ना नीचे की साइड लेस भी लगी हुई है गाइज, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमें ये मिली वहाँ से। अब जो हमने नेक्स्ट लिया था वो था ये टॉप। ये टॉप डिज्नी का है और इसका प्राइस है 200 रुपीज़, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। डिज्नी के कपड़ों की क्वालिटी आपको पता ही है। एंड ये जीन्स तो मैंने जूडियो से बहुत पहले ली थी, बट आज तक मैंने इसको पहना नहीं है, तो इसके संग पहना तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा था, है ना। फिर ये एक शर्ट हमने ली है, मैंने ऐसी दो शर्ट ली है, एक शालू के लिए और एक अपने लिए। तो इसमें ना ये ग्रीन वाला मैंने लिया और येलो वाला शालू ने। मैंने उससे पूछा बता येलो लेगी कि ग्रीन, बिना कुछ दिखाए, तो उसने बोला येलो। एंड गाइज, इसका फैब्रिक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हल्का, मतलब बहुत ही प्यारा मलमल सा कॉटन है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये था 300 रुपीज़ का। तो गाइज, हमने वैसे एक दो चीज़ें और ली हैं, बट वो अभी दिखा नहीं रही है। और मम्मी ने मुझे कहा निक्कर के संग पहन के दिखा ये शर्ट को, तो बोली जब तुम लोग कहीं बाहर जाओगे ना, तू और शालू, तो एक जैसे ऐसे पहन के जाना, बहुत अच्छे लगोगे। मैं शालू के लिए भी निक्कर लेके आऊँगी। तो अब बस शालू के लिए निक्कर लाना बाकी है। और अब हो गया है नेक्स्ट डे। हैप्पी ईद उल फितर। क्या बने थी? अरे बाबा जी, उतर फितर। हाँ, ढंग से बोलो ना, आज ईद है, सबको सबको बोलो हैप्पी ईद उतर फितर। हाँ, आप सबको ईद मुबारक हो। ईद उल फितर होती है, ईद उल फितर। हाँ, उतर फितर। तो गाइज, आज हम खा रहे हैं आलू का चोखा, जो इसका सब्जी होता है ना उसी से ही, आलू के पराठे और चाय अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के। आज ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। गाइज, मम्मी ने ऐसी सब्जी बना के गरम गरम बंद कर दी, अब वो उसका प्रेशर ऐसा हो गया। भाई ठंडे पानी में डुबो दो इसको, तेरे नीचे को लोग रहते हैं, मार दूंगी तेरे राहुल। देखो विराज खाना भी खा चुका होगा। भाई क्या कर रहा है तू, उल्टे काम टिफिन टूट जाएगा मेरा। राहुल मारूंगी मैं, नीचे मत बांध दे। हार मान गया, हार मान गया। गाइस, ऐसा सब्जी बंद किया ना मम्मी ने कि किसी भी एंगल से खुल नहीं रहा है, सबने खोल खोल के देख लिया। पानी में ठंडा डुबोती हूँ। अब मैं इसको डुबो के भी ले आई हूँ तब भी नहीं हो रहा। ये सील बंद हो चुका है बिल्कुल। करेले की सब्जी बना के रखी है दाल चावल के साथ, इसको भी क्या बंद करने। मम्मी गरम गरम बंद कर दिया चूल्हे।
पानी भी डाल दिया, सब कुछ कर दी। तो यूटी भाई के घर से नहीं लाए थे एक बार? यूटी भाई के घर से भी ऐसे आया था ना एक बार? हल्का सा प्रेशर चाहिए उसको बस, अभी टूट जाएगा क्योंकि क्रैक हो रहा है ना। ज़्यादा नीचे आएगा इस तीसरा योद्धा, इसी योद्धा ने ये आप चाहती थी कि कोई ना खाए? नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बंद करा यार, गरम किया है आपने, मैंने धो दिया पानी से। नहीं, कोई नहीं, ये करेले की सब्जी है, इसको देख देख के खा लो, देख के खाओ बस, इसमें सब्जी है, तुम सोचोगे तुम लोग खा रहे हो। राहुल मम्मी मैं तीनों तक गए, किसी से नहीं खुल रही, अरे मैंने पेचकस से खोल दिया, सब कुछ कर दिया। हाथ मत तोड़ लेना ज्यादा जोश में, अरे बाप रे बाप, उठा 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 उठा, ओ भाई साहब कल तू आ गया आज, मम्मी रवि आज नहीं खोला लास्ट में। तो हे गाइस, आज है ना गणेश चतुर्थी का लास्ट दिन है, अनंत चतुर्दशी कहते हैं शायद, तो इतना भयंकर मौसम हो रखा है ना 3:30 बजे मुंबई का, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी 3:30 बज रहे हैं और देखो एकदम शाम सी हो गई है, तो मैंने चाय भी चला दी, कुकू का खाना बन रहा है। मम्मी ना उस रूम में सो रही थी, मतलब इतनी भयंकर आवाज़ है, बादल गरज रहे ना बड़बड़ जैसे अभी ब्लास्ट हो जाएगा, तो मैं मम्मी को उठा के लाई और मम्मी उस कमरे में बैठी है। आई एम सॉरी, वेलकम टू द व्लॉग, व्लॉग ही शूट नहीं कर रही है 2-3 दिन से, तो बाद में बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा लैपटॉप में शिफ्ट कर रही थी, मोबाइल का डेटा वो हो नहीं पा रहा था, जिस वजह से मेरा काम डिले हो रहा है। तो बस ये है कि लैपटॉप से एडिटिंग शुरू कर रही हूँ ना दोबारा से, आँखें बहुत वीक होने लगी है इसमें, मोबाइल में लग लगती है, इसलिए वो कर रही थी। और यहाँ रात के लिए भिंडी बीच में से जीरा कर लगा के रख दिए धूप के, बस इसको भी मसाला भरने जा रही हूँ यहाँ, और मम्मी को दिखाती हूँ। आप आवाज़ देखो, जबरदस्त आवाज़ आ रही है गाइस, एंड मम्मी को दिखाती हूँ, देखो कमरा कैसा अंधेरा हो गया। कुसुम दीदी सो पा रही हो आप? हैं, आवाज़ सुन रही हो? ये देखो, ये देखो आवाज़, बापा जा रहे हैं ना, बापा जा रहे हैं, बापा बिदाई, बापा की इसीलिए भगवान भी रो रहे हैं, देखो भगवान भी कहते मुझे नहीं जाना ना भक्तों से दूर, भगवान भी भक्ति के बगैर कुछ नहीं। अरे बिजली कड़क रही है, मेरे को पता नहीं क्यों डर लगता है फोन में ना, जैसे बिजली कड़क के वो गिरने की कई बार सुनी है ना, वो देखो, देवा 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 पार्थू थंडर, पार्थू थंडर आ गया, थंडर ये देखो थंडर, अरे 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 थंडर। अभी दिखाती हूँ गाइस, पहले मेरी चावल देख लो गाइस, मेरी चाय देख लो गाइस, और ये थंडर, बाबा रे ऐसे आती थंडर। अच्छा चल चल चल, वो देखो बिजली भी कड़क रही है लेकिन रोशनी है ना इसलिए कम दिख रही है वो एकदम से। मेरा मन था कि छत में जाके मैं और मम्मी चाय पीते, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चलो भूख नहीं है किसी को। तो भाई हमारी चाय बन गई है, मम्मी यहाँ बैठ के चाय का लुफ्त ले रही है और बरसात का भी लुफ्त ले रही है। सोए थे? ले ली एक चुपकी। बेटी क्या कर रहा है, बाप ले रहा है? ओ, गाड़ियों की भी वो बजने लग जाती है देखो, है ना? मैं यहाँ बैठ जाती हूँ भैया। हाँ पापा जा रहे होंगे, बरसात तो होती ही है, रो रहे हैं वो। पर तो बेटे चाय से हाँ, पापा रो रहे। तो हम अपना नया कैमरामैन रेडी कर रहे हैं मिस्टर पार्थ, जो हमें हेल्प करेगा थोड़ा सा शूट में। अमा आप क्या कहते हो उस कैमरामैन के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर सेइंग मी कैमरामैन। फाइनली बारिश आ चुकी है, ये देखो ये बिजली भी कड़की रहा था साथ साथ में, है ना? क्यों भाई क्रीम तो लगाओगे मुंह ड्राई हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर वंस अगेन।
हम ऐसे आजकल मैं ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कर ही नहीं रही हूँ कायदे से बताऊँ तो। बस आज बहुत सारी वीडियोस डाल दूंगी ना, फिर करूँगी। तो आज मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने। मम्मी ने नहा धो लिया है, रेडी हो गई है और बोले तो क्रीम लगा रही है। आज मम्मी ने ना उस वाले साबुन से फेस वॉश किया, कैसा लगा मैं आपको साबुन? बढ़िया, बढ़िया लगा मम्मी को। मम्मी के लिए क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने एक बार आपको बताया था ना, suryanandani.com से मिल जाएगा आपको, बहुत ही आयुर्वेदिक साबुन है जो। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि मैं बहुत सारे मंगा लूँगी, मुझे नीलम हिरोशिमा के लिए भी ले जाना है जब मैं ऐसे जाऊँगी तो, मम्मी के लिए भी ले जाऊँगी, सास माँ के लिए भी, सबके लेके जाऊँगी, तो बहुत सारे ऑर्डर कर लूँगी। तो बस आज ना अनूप को ब्रेकफास्ट करके भेज दिया, पार्थू का स्कूल था, पार्थू जा चुका है। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी चलो साउथ इंडियन खाने चलते हैं, और मम्मी को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो गरम गरम इडली और बड़ा खा के आते हैं। हम दोनों कपड़े लगा रखे हैं, घर के सारे काम हो गए। हाँ मशीन लगा दी मैंने, चल। खाने के लिए तैयार हो? अरे मैं भूल गई, अपनी प्लेट ले रहा आना उनसे, घर बटी अपनी अपनी प्लेट लानी होती है। प्लेट था लाला तो प्लेट भी चाहिए। राम का कैसा लगा माँ? बहुत टेस्टी, टेस्टी है ना, एकदम फ्रेश है ना। तो भाई हमने नाश्ता कर लिया, अब चाय पीएंगे घर जाके, थोड़ी 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 सी चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं लोखंड वाला, वो रही मम्मी, दिख रही है क्या? चलो हमारे संग आप सब भी चल रहे हैं लोखंड वाला। पहले अनूप को लेने ये झोला और चाबी, मैं जरा नीचे गार्ड भैया को दे देती हूँ। तो बस गाइस घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहे थे, मैंने मम्मी को बोला चलो थोड़ा घूम के आते हैं। 6 बजे करीब हम दोनों निकले लोखंडवाले के लिए, और अनूप ने बोला कि चाबी और झोला नीचे गार्ड को दे देना, मैं सब्जी लेता आऊँगा, तुम दोनों आराम से घूम लो। तो बस ऑटो में बैठे, पार्थू भी आई थिंक किसी के बर्थडे में गया हुआ था, हाँ पहले वाली सोसाइटी के किसी बच्चे के बर्थडे में जा रखा था, तो थोड़ा आज टेंशन फ्री थे हम दोनों, मम्मी और मैं निकल पड़े लोखंडवाला। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, और हम क्यों गए थे, हम गए थे मेरा एक ना बैंगल टूटा हुआ पड़ा हुआ है 3-4 साल से, और उसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा है गाइस। वो मैंने कल्याण से लिया था जैसे कि आपको पता होगा, तो मैंने बहुत बार बताया है कि मैं कई बार उसको यहाँ से मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई घूमता ही रहता है, लेकिन उसका ना मुहूर्त ही नहीं आ रहा है कि वो चेंज हो जाए या जुड़ जाए। तो यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, मैं कह रही थी आपसे, बात कर रही थी, बात करते करते अनूप का कुछ फ़ोन आ गया था, तो फिर मैंने काटा इसको एंड आगे हम लोग गए। और गाइज़ यहाँ पे ना मम्मी को भी मैं कह रही थी कि आप अपने इयरिंग चेंज कर लो, बहुत टाइम से पहन रहे हो। तो शालू और मैंने कुछ देखा था उनके लिए, जैसे कि ये 2-4 डिज़ाइन हमने पसंद किए थे, तो आज मैं मम्मी को लेके आई थी कि मम्मी आप देख लो। और एक्चुअली ये है ना लोखंडवाला में जिनकी शॉप है ना वो लोग बंगाली हैं, तो बंगाली डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और इनका जो सोना है ना वो भी थोड़ा ज़्यादा पीला होता है, जैसे अपने अपना अलग अलग जगह का अलग अलग सोना होता है ना, एंड 1 ग्राम 2 ग्राम में बहुत लाइट वेट में है ये सब, तो बहुत ही रीजनेबल है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ही रीजनेबल है, एंड 18 कैरेट एंड 20 कैरेट एंड 22 कैरेट इन सब की इसमें क्या बोलते हैं हॉलमार्क ज्वेलरी है इनके पास, और गवर्नमेंट की जो हॉलमार्क होती है ना वो वाली, क्योंकि ये कह रहे थे अब अलाउड ही नहीं है ऐसा रखना, तो बस यहाँ पे वो लेके आए थे। और आप सब ने मुझे मेरा पेंडेंट जो मैंने आपको दिखाया था उसके बारे में बोला था, तो मैं वो पेंडेंट भी लेके आई थी कि चलो मैं उसमें ना धागा डलवा दूँगी साइड साइड में तो पहनने लायक हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ देखो मम्मी को ना मैं वो चेन दिखा रही हूँ कि मम्मी देखो 2 साल हो गए ये चेन अभी तक बिकी नहीं है, और वो भी हंसते हैं दुकान वाले भैया कि ये ना इसकी नज़र किसी पे पड़ी नहीं रही है, ये बिका ही नहीं अभी तक। तो मैं कह रही थी ये बिकेगा ही नहीं, इसे मैं ही लेके जाऊँगी आप देखना। तो पेंडेंट जब हमने उन्हें दिया तो पता चला गाइस कि वो जो पेंडेंट है ना वो 18 कैरेट का निकला, और जबकि उन्होंने हमें जब दिया था तो वो था 23 कैरेट का बोल के, और उसमें 22 कैरेट की आई थिंक स्टैम्प भी लगाई थी जो कि लोकल ज्वेलर से हमने ली थी ना, इसलिए ऐसा था। खैर वो सब अब पता चला, कर ही कह सकते हैं अब तो ले लिया था, बट मैं मम्मी को कह रही थी कि ये देखो चेंज करके ये ले लो, बट मम्मी बोली देख मेरा कान का छेद बहुत बड़ा है सीमा, अच्छा नहीं लग रहा है। और सच बताऊं 2 साल से ये चेन मेरा और मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ। जैसा आप सबको पता है कि मैं कोई भी चीज़ को बहुत आराम से तसल्ली से जोड़ जोड़ के लेती हूँ और ख़ुद से लेती हूँ, तो
बस। और यहाँ पे फिर मैंने अपने बैंगल जिसके लिए आई थी वही काम मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये देखो ये डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा बताना, मुझे बहुत पसंद आया। अगर ये 22 कैरेट का होता तो शायद मैं इसको चेंज कर लेती अपने कंगन से, लेकिन ये 18 कैरेट गोल्ड का था और 18 कैरेट गोल्ड लेने का कोई मतलब नहीं है गाइस। जो मेरा कंगन है ना वो कल्याण ज्वेलर्स का है, हॉलमार्क है और 22 कैरेट का है। उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने ना खुद ही कहा शॉप वाले ने कि आप अपना जो बैंगल है ना उसे वापस कल्याण पे ले जाओ और अगर देखो वहाँ कुछ हो सकता है तो, अगर नहीं होगा ना तो आप हमें अपना बैंगल देना, गोल्ड आपका वही हम काउंट करेंगे, सिर्फ आपको मेकिंग देनी पड़ेगी और आपका जो डिज़ाइन आप बोलोगे वो बनवा दोगे। लेकिन मेरा दिल तो इसी कंगन में आ गया था क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसे ही डिज़ाइन पसंद है एक हाथ वाले, मुझे ना हैवी हैवी डिज़ाइन पसंद नहीं है। मुझे ये जो डिज़ाइन है मोर बने हुए हाथी बने हुए एक हाथ में पहनने वाली ये पसंद है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बोला इसमें रख के दिखाओ भैया कैसा लग रहा है। तो गाइज मैं प्राइस आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि देखो अलग अलग जगह के आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस। तो वो देखो मेरा पेंडेंट भी वहाँ पड़ा हुआ है तो इसीलिए मैं प्राइस नहीं बताऊँगी। तो वो फिर पेंडेंट उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल नया है ये तो आपने पहना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं 6-7 साल हो गए इसको, बस थोड़ी देर के लिए मैं पहनती हूँ। तो मैंने बोला धागा डलवा दो इसमें, मैं धागा डला के इसको फिर पहनने लायक बना लेती हूँ क्योंकि पोते में ये सही नहीं बैठ रहा था एंड मम्मी को भी ये डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे फिर शॉप में ना एक बुकलेट थी उसको दिखाया और बोला आप इसमें से डिज़ाइन भी पसंद कर सकते हो, मैं बना दूंगा जो डिज़ाइन आप बोलोगे। और मैंने उनसे कहा मुझे 22 कैरेट का और मेरा जो कंगन का वेट है ना वो आई थिंक 17 ग्राम का होगा आई थिंक, तो फिर आप देख लो 1.7 ग्राम ऐसे है ना, 2 तोले से थोड़ा सा कम का ही है वो। तो वो मैंने अभी रख दिया है कि नहीं अभी पहले कल्याण ले जाऊंगी वापस से उसको दिल्ली में, फिर फाइनल इस बार उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। एंड यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को बोला चलो एक अंगूठी भी देखते हैं। एंड मैं क्या करती हूँ ना देख लेती हूँ फिर उसके हिसाब से वो उसको माइंड में रखती हूँ और यकीन मानो उस चीज़ को फिर अगर मुझे अच्छी लगती है तो फिर मैं उसके लिए जोड़ती हूँ और फिर लेके आती हूँ। तो एक छोटी सी अंगूठी इसका वेट बताऊँ तो 1.5 ग्राम था और प्राइस आई थिंक 10-12,000 के बीच में था। एंड यहाँ पे फिर मम्मी ज्वेलर की दुकान से हम बाहर आ गए तो ये जो बाहर बैठे होते हैं ना वहाँ से मम्मी ने कहा सीमा मेरे को घर पहनने के लिए ना कंगन चाहिए, मेरे कंगन काफ़ी ख़राब हो गए हैं एक ही है मेरे पास। तो यहाँ से मम्मी वो ले रही है तो बहुत ही सस्ते होते हैं और एवरीडे वेयर के लिए सबसे अच्छे होते हैं गाइज है ना, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं, वो वाला गोल्ड होता है ये। तो यहाँ पे मम्मी ने वो भी ले लिया एंड आई थिंक 300 रुपये में 2 जोड़े मिले हमें। मम्मी ने जो लिए एक में 4 थे एक में 2 थे। बस इसके बाद हम दोनों घर जा रहे थे, मैंने कहा मम्मी चलो गोलगप्पे खाते हैं यहाँ के भी। तो बस कितनी चटोरियाँ होती हैं ना औरतें सिर्फ गोलगप्पे, वैसे मैं हमेशा मना करती हूँ कि नहीं मैं गोलगप्पा फैन नहीं हूँ लेकिन सच में गाइस मैंने नोट किया है कि मैं तो गोलगप्पे खाती हूँ बाहर जाके। तो बस आज मम्मी को वहाँ के गोलगप्पे खिलाऊंगी जहाँ के हमें अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने यहाँ के गोलगप्पे तो खाए लेकिन मम्मी कह रही नहीं हिल रोड वाले ज़्यादा अच्छे थे सीमा, जो कल खाए थे ये भी अच्छे हैं लेकिन वो कल वाले ज़्यादा अच्छे थे। तो गाइस देखो 6 बजे हम निकले थे घर से और 7 बज रहे होंगे इस टाइम हम वापस आने लग रहे थे क्योंकि हमें ना ऐसा था भाई घर जाना है सबके लिए खाना भी बनाना है, राहुल है, विराज है, अनूप है, पार्थू तो आज खा के आएगा। बट मम्मी को दिख गया गाउन, मम्मी ने कहा सीमा चल मैक्सी ले लेते हैं। तो वो देखो इसका ना बहुत ही प्यारा कलर था गाजरी कलर और फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था एंड प्राइस था 300, 350, 400, 500 इसी रेंज में ये सारी गाउन्स थी। उन्होंने सेक्शन बना रखे हैं कि इसमें 300 वाला मिलेगा इसमें ऐसे ऐसे मिलेगा। तो बस मम्मी को एक ये थोड़ा वाइन कलर बोल लो या जामनी कलर बोल लो ये वाली बहुत पसंद आई और मुझे कुछ और आ रही थी तो बस हमने कपड़ा वगैरह देखा अच्छा लगा तो 300 में नॉट बैड, बहुत अच्छी है गाइस। जो डी मार्ट में मिलती है ना ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। डी मार्ट में 250 की रेंज में भी मिलती है, 300 में भी मिलती है बट इतनी अच्छी नहीं मिलती। एंड इनका जो फैब्रिक था ना बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब बहुत ही सॉफ्ट ये देखो। बट मम्मी को ये कलर पसंद नहीं आ रहा था, फिर हमने मैक्सी लेने के बाद ये ब्लू वाली हमें दिख गई एंड इसका प्राइस था आई थिंक 350 या 400 रुपीज़। तो फिर हमने वो भी ले ली एंड इसके बाद हम आए घर। घर के लिए हम फटाफट आ रहे थे एंड गाइज हमें घर आके सरप्राइज़ ही मिल गया। जब हम आए ना तो अनूप एकदम हमें देख के दरवाज़ा किचन का बंद करके अंदर घुस गए। उन्होंने दरवाज़ा तो खोला है लेकिन फटाफट भाग के दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ढोका बंद कर रहे हो, खुशबू आ रही है हमें, आज तो कुछ स्पेशल बन रहा है। ओह माय गॉड, अंदर नहीं आने दोगे हैं? बेकार आ गए यार हम, जल्दी 6 बजे गए थे गाइस, हम लोग 7:30 आ भी गए इतनी जल्दी जल्दी। क्या खुशबू आ रही भाई,
अरे क्या बना रहे हो, ऐसी खतरनाक खुशबू आ रही है। देना। मम्मी को पूजा करने आना है। नहीं नहीं करना, बना बना। देखा गाइस, यही होता है असली प्यार। उनको पता था माँ और बीवी थक के आएंगे, यही होता है गाइस। कोई दुख नहीं लगता वैलेंटाइन डे बर्थडे भूल जाए ऐसा आदमी, है ना मम्मी? कोई दुख नहीं लगता मुझे, क्योंकि जब थकान से आता है ना इंसान, बोल दो ना ऑटो में इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना गाइस, ऐसा रहता बस। और अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी किंजल का, जो लिख रही थी सीमा तुम तो पूरी मुंबई के रंग में रंग चुकी हो, वड़ा वो खा रही हो, सेव पूरी, बहन यहाँ पे मिलता यही है, मैं क्या करूँ, छोले भटूरे इतनी आसानी से मिलते ही नहीं है, जो मुंबई की चाट मिलती है वही खाते हैं। लेकिन हाँ मुझे दाबेली बहुत पसंद है, वो भी सिर्फ एक दुकान की, एंड दही पूरी सेव पूरी तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा स्पाइसी कम करवाती हूँ, और अभी भी मैं और मम्मी गोलगप्पे खा के आए, तो बस आज तो हमारी किस्मत खुल गई है, अनूप सब्जी बना रहे, वाह। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे, या तो सुबह मिलती हूँ या देखते हैं अनूप क्या बना रहे हो, आपको दिखाते हैं। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? पानी तो पिला दे आप, जाके पानी पानी भी नहीं देखा गया, दरवाजा खुल के दिया, खुल गया। खुल जा सिम, वो भयंकर यार, वो भयंकर कांच टूटने से क्या होता है, कांच टूटने से क्या होता है पता चल गया आपको? कांच लाना नहीं पड़ता, आपकी बीवी सुनार की दुकान में बैठी, इनको मैंने बोला कि रे क्या होता है बाबू कांच टूटने से, मैंने कहा बहुत शुभ होता है, मैं सुनार की दुकान में बैठी और कांच टूट गया, इन्होंने वैसे ही फोन काट दिया पटाक दी नहीं बोल के। ये आपको क्यों करना है बाबू, हम कर लेते आके बाबू, हम खाना बनाने के डर से तो आए, वरना मम्मी तो बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी खाना बनाने उन्होंने चलो फिर तो बाबू तो हुआ भाई, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हम करेंगे ना, उसी में तो बाबू मैं उसी में तो घिरी हुई हूँ, वो बिंदास ही तो नहीं हो पाती, तुम्हारा दिमाग से कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो आपकी होती है, होती है। जी, वो भयंकर आज तो मेरे बच्चे ने सेम की सब्जी बनाई है, एक सेकंड जब मजदूर लोग काम करते हैं तो अपनी ब्रांडेड टी शर्ट उतार के यहाँ रख देते हैं। गाइस आप ना मजाक मत समझना, सच बता रही हूँ, देखो अनुप है ना, ये देखो ये कौन कहेगा ये करोड़ों की मूवी बनाने वाला डायरेक्टर, क्या बूढ़ा मेरी क्यों बेइज्जती कराते रहते हो, ये बापरे मुंह देखो मुंह देखो बनियान का गुस्सा निकाल रहे हैं। अरे बाबू हम सच में बता रहे हैं, हम डर से आए कि इन लोगों को भूख लगेगी, ये दोनों बैठे होंगे विराज और राहुल आ जाएंगे, इनको भूख लगेगी टाइम से, तो 7:30 बजे आ जाते हैं, 8 बजे आ जाते हैं, मैं इसीलिए भाग भाग के आई, कुछ नहीं खुद तो फोन करके बोलते हो कि आ जाओ खाने के लिए। हाँ तो बाबू आ तो जाते हैं ना, उन लोगों को भूख तो लगती है ना इस टाइम पे, तो मैं इसीलिए आ गई कि भाई टाइम से बनाना पड़ेगा खाना, मम्मी को बोला बाबू आप हमारी जगह होंगे ना तो एक आप, हम तो अच्छे के लिए आए ना, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आए अपनी की भाई, आप मैं मम्मी से यही कहती अनूप होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अनूप को तो मैं बोल देती, अनूप तो वैसे भी हमें बोलते बाहर खा लो, दिन का खाया हुआ उन लोगों ने फिर इसीलिए। बताओ थैंक यू सो मच बुड़ो, थैंक यू सो मच, नहीं नहीं हमें कितना आराम मिल रहा है मैं क्या बताऊँ आपको, एक तो हमें आराम मिला, दूसरा हमें ब्लॉग के लिए कंटेंट मिला, कोई बात नहीं यार अगली बार से मुझे ध्यान रहेगा, मैं अगली बार से जल्दी नहीं आऊंगी बोलो। अरे गाइस पता है हमें ना ऐसा था विराज और राहुल घर पे, और ना उन लोगों को तो टाइम से दिन का खाया हुआ है, उनको भूख लग जाती है, वो ऐसा कुछ वो लोग नहीं बोलते हमें कि हमें इसी टाइम पे खाना, तो लेकिन एक होता है भाई अपनी कोई नहीं आता, लेकिन बाबू हम आएंगे 8 बजे तो खाना कैसे बनाएंगे, इतने भी सुपर जीनियस थोड़ी है, सुपर वुमेन थोड़ी कैसे यूं किया और खाना बन गया, मेहनत तो लगती है ना, कोई बात नहीं हम भैया अपना काम जो है अपनी गृहस्थी के काम भी बिल्कुल ऐसे रखने पड़ते हैं गाइस, रहने तो सब्जी के लिए है, तो आज अनूप ने ना इसीलिए बेचारे सब खाना वाना बना के रखा कि इन दोनों को टेंशन ना हो, ये आराम से घूम ले, पर हमें ऐसा बोल के थोड़ी गए थे, हमें तो पता था कि हम बस जाएंगे और आएंगे। तो मैं क्या लाई हूँ मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, पहले मैं अनूप को दिखाती हूँ।